हेलो फ्रेंड्स, मैं एजे। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल अ वायर शार्क। वायर शार्क फॉर ए नेटवर्किंग प्रैक्टिकल पर्पज हम यूज़ कर सकते हैं। इन द सेंस आपको जस्ट लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग, मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर आपको यूज़ होने वाला है, दैट इज एन वायर शार्क। ओके, वायर शार्क यूज़ क्यों करते हैं? फॉर वॉचिंग और मॉनिटरिंग अ नेटवर्क, कि नेटवर्क के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ पैकेट्स होंगे, ओके, तो पैकेट्स किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके अंदर क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये सभी चीज़ें हमें वाया वायरशार्क पता होती है। तो फॉर मॉनिटरिंग नेटवर्क हमें वायरशार्क यूज होने वाला है। सो यहाँ पे जस्ट लाइक देखते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल अ वायरशार्क। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपका कोई भी जो ब्राउजर होगा, ब्राउजर ओपन करना है एंड ब्राउजर के ऊपर आपको सर्च करना है वायर शार्क डाउनलोड। ओके, सिंपल वायर शार्क डाउनलोड करने के बाद, सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा वायर शार्क का ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज एन www.wireshark.org/download। ये तो डाउनलोड वायर शार्क। देन इसके अकॉर्डिंगली आपको कौन कौन से वर्जन्स रिक्वायर्ड होंगे, वो वर्जन भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि स्टेबल वर्जन है, जैसे कि 64 bit, 32 bit फॉर एन विंडोज एंड पोर्टेबल ऐप ऑल्सो 32 bits, एंड मैक ओएस का भी यहाँ पे है विथ एन सोर्स कोड भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू जो भी ओल्डेस्ट वर्जन होंगे, ओके, ओल्डेस्ट स्टेबल वर्जन रिलीज किए वायरशार्क ने, वो भी आप डाउनलोड करते हैं सेम। देन डेवलपमेंट वर्जन भी है इसके अंदर, जैसे कि 3.5 की जो डेवलप हो रही, जो स्टेबल नहीं है, जैसा कि यहाँ पे आप वर्जन देख सकते हो जो स्टेबल है 3.4.9, तो ये स्टेबल वर्जन है 3.5 की जो डेवलपमेंट स्टेज में है, कि जो सक्सेसफुली या कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ। देन उसके अकॉर्डिंगली उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऑनलाइन सिंगल पेज चाहिए, मल्टीपल पेज चाहिए, PDF चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन, आपको पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट वायर शार्क एंड वायर शार्क फाउंडेशन सभी यहाँ पे मिल जाएगी। कई दिन कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सपोर्ट कर सकता है, तो फर्स्ट इसको डाउनलोड करने के लिए रख देते हैं, देन इंफॉर्मेशन देखेंगे डाउनलोड होने तक। सो विंडोज 64 bit के, आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप 32 bit डाउनलोड कर सकते हो, मैक भी कर सकते हो आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंगली। ओके, देन यहाँ पे हम देख रहे थे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, जैसे कि एप्पल है जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है, HP है, NetBSD फाउंडेशन भी है यहाँ पे, कि डिफरेंट रेड हैट भी है, लिनक्स भी है, ओरेकल, कि डिफरेंट फाउंडेशन एंड वेंडर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। ओके, सो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, इसकी साइज इज लाइक 64 MB ये। सो डायरेक्टली इसको ओपन करते हैं यहाँ से। ओके, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये जस्ट लाइक क्लिक करो फॉर यस इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको आने वाला है वेलकम स्क्रीन, वेलकम टू वायरशार्क विथ रिस्पेक्ट टू वर्जन 3.4.9 64 bit सेटअप। दिस इज अ विजार्ड विल गाइड यू टू नो थ्रू अ इंस्टॉलेशन ऑफ वायरशार्क। बिफोर स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन मेक श्योर द वायरशार्क इज नॉट रनिंग। कि इफ आपके पास प्रीवियसली कोई वर्जन होगा तो प्रीवियस वाला वर्जन आपको क्या करना है, इफ रनिंग होगा तो फाइल्स मिसमैच हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं, उस सिनेरियो के लिए यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज दिया है कि इफ आप कोई न्यू वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो, ओल्ड वाला आपके सिस्टम के अंदर होगा, तो उसको आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पे जैसे लाइक कि जो पब्लिक लाइसेंस एग्रीमेंट आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो, कि ऑब्वियसली कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं, हम नॉर्मल स्टूडेंट पर्पस से देखेंगे तो स्टूडेंट पर्पस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो नोटेड इन द सेंस एग्रीमेंट एक्सेप्टेड। देन इस वायरशार्क के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होने वाले, वायरशार्क टी शार्क प्लगिंग एंड एक्सटेंशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इन नंबर्स ऑफ वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देन क्लिक नेक्स्ट। ओके, देन आपको स्टार्ट मेनू के अंदर
इसका शॉर्टकट चाहिए होगा तो क्लिक करो, ये बाय डिफॉल्ट टिक है। देन डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए होगा तो टिक करो एंड क्विक लॉन्च, कि आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन क्विकली लॉन्च करना होगा। तो हमें क्विकली लॉन्च नहीं करना क्योंकि हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है। तो क्विकली लॉन्च हमने टिक निकाल लिया। देन एक कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन को ट्रेस कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है, तो एक्सटेंशन इंक्लूड फाइल वीपी, एसीपी, एपीसी, एटीसी। ओके, नंबर्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे दिए गए, तो ये सभी फाइल एक्सटेंशन को वायरशार्क सपोर्ट करता है। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। कौन से फोल्डर के अंदर इसको हमें रखना है, जैसे कि उसके लिए हमें मेमोरी लगने वाली 209.6 MB, तो इतना स्पेस हमें वायरशार्क के लिए रिक्वायर्ड है। एंड हमारे पास अवेलेबल कितना है सी ड्राइव के अंदर, जैसे कि 178 GB, तो ऑब्वियसली MB हम कैरी कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वायरशार्क हमें NPCAP भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। USBCAP वर्जन इंस्टॉल। ओके, सो यहाँ पे आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट होना चालू हो गया, इन द सेंस जो exe फाइल है और एक्सट्रैक्ट होगा ऑटोमेटिकली, और जो बाकी के भी सॉफ्टवेयर इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे वो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। ओके, सो सिंपल वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक। इट टेक्स 2 to 3 minutes फॉर इंस्टॉल। एंड सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ आपको नंबर्स ऑफ पोर्ट्स, ओके, कौन कौन से पोर्ट्स, उसके जो नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ये जो प्रोसेस है वो क्विक एंड फास्ट वे में हो जाएगी। ओके, यहाँ पे NPCAP, जैसे कि हमने एस किया था ऑप्शन फॉर इंस्टॉलेशन, तो क्लिक ऑन एग्री। देन के यहाँ पे कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट एस कर दो, जो नंबर्स ऑफ फीचर्स एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए। NP इन द सेंस एन मैपिंग है, कि मैपिंग ऑफ यूअर नेटवर्क, एन स्टैंड फॉर नेटवर्क, तो नेटवर्क मैपिंग पर्पज के लिए हम एन मैप, जैसे NPCAP 1.31 ए जो सॉफ्टवेयर होगा ए यहाँ पे यूज करें। ओके, नेटवर्क मैपिंग इज ऑल्सो फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग पर्पज हम यूज करने वाले हैं, तो सेम इसका भी यूज करेंगे फॉर एन नेटवर्क मैपिंग। नेक्स्ट, फिनिश। ओके, अगेन USBCAP, क्लिक ऑन एग्री। नेक्स्ट, एग्री एक्सेमेंट नेक्स्ट। ओके, इसके अकॉर्डिंगली आप USB डिटेक्ट कर सकते हो, USB के थ्रू जो भी कनेक्शन होगा आपके नंबर्स ऑफ फाइल्स, या इफ आप USB पोर्ट थ्रू नेटवर्क ले रहे हो, USB थ्रेडिंग, उस पर्पज के लिए USB थ्रू जो भी नेटवर्क आप पास करोगे, USB थ्रू आपको जो भी नेटवर्क प्रोवाइड होगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप NSBCAP थ्रू देख सकते हो। एक नेटवर्क के रिलेटेड ही कंसेप्ट है, सो उस पर्पज के लिए जितने सिनारियो, सभी सिनारियो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले है। सो इंस्टॉलेशन हो जाएगा फ्यू मिनट्स के अंदर। प्लीज वेट वाइल द वायरशार्क 3.4.9/64-bit इज बीइंग इंस्टॉल। ओके, सेटअप वॉज कम्प्लीटली इंस्टॉल सक्सेसफुली। नेक्स्ट, ओके, रिबूट आपको करना हो तो रिबूट नाउ, और आई वॉन्ट टू मैनुअली रिबूट लेटर। ओके, तो इसको फिनिश। ओके, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे जैसे लाइक आपका वायरशार्क ऑप्शन आ गया है, इसको ओपन करते हैं। वायरशार्क लाइक द वायरशार्क नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर, इसको नेम ही देख दिया गया है, नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर। ओके, यहाँ पे जैसे लाइक आपकी सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है फॉरेन कनेक्शन पर्पज, सो लोकल एरिया कनेक्शन 8, लोकल कनेक्शन लोकल एरिया कनेक्शन 7, 6, 9, 10। ओके, सो बट यहाँ पे एक्टिव दो ही है, जस्ट लाइक एक इथरनेट है एंड सेकेंड एडाप्टर फॉर लूप बैक ट्रैफिक सो कैप्चर। ओके, तो यहाँ पे इथरनेट के लिए IP address असाइन किए गए हैं, सो हम डायरेक्टली कहेंगे इथरनेट, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल लिस्ट
इंफॉर्मेशन सभी यहाँ पे आ जाएगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड प्रोटोकॉल आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, नॉर्मली यहाँ पे एक दो हम प्रोटोकॉल देखेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं जो आपके सामने दिख रहा है आपको, नथिंग बट TCP। ओके, तो एक सिनेरियो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जैसे कि जो ऊपर लाइन होगी सर्च बार, ओके, जैसे कि ग्रीन है उस सिनेरियो में रेड होता है। तो रेड इन द सेंस कि आपका प्रोटोकॉल रॉन्ग है। इफ आप और एक जैसे कि आपको एक दिखाता हूँ POP, ओके, यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, इन द सेंस आपका प्रोटोकॉल रॉन्ग नहीं है। ओके, यहाँ पे जैसे ग्रीन लाइन दिखा रही है आपका प्रोटोकॉल राइट है, एंड जो आपके रिजल्ट्स होंगे कि उसके अंदर कोई भी POP का प्रोटोकॉल नहीं है। उस सिनेरियो के लिए क्या कर रहा है, MT दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो सेम और एक प्रोटोकॉल देखते हैं, UDP, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो UDP के इतने नंबर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, ओके, तो ऐसे नंबर्स ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आप सर्च कर सकते हो, विथ सोर्स, डेस्टिनेशन, उसकी लेंथ एंड इन्फॉर्मेशन के कौन से पर्पज़ के लिए आपने उसको यूज किया। ओके, ये हो गया सिंपल आपका इंस्टॉलेशन ऑफ एन वायरशार्क एंड हाउ टू यूज इट। ओके, फॉर एन यूजिंग एंड प्रैक्टिकल पर्पज हम नेक्स्ट और वीडियो करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इफ आपको इंस्टॉलेशन पर्पज में कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई भी एरर आता होगा आपको इंस्टॉलेशन पर्पज में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करके आपको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।